बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण मुंबई के वर्ली इलाके की जिस बहुमंजिला बोमोन टावर्स नामक बिल्डिंग में रहती हैं, उस इमारत में बुधवार को 32वें और 33वें फ्लोर पर आग लग गई थी। बता दें कि दीपिका 26वें फ्लोर पर रहती हैं। उस समय वे घर पर नहीं थी, हालांकि 95 लोग उस समय बिल्डिंग में मौजूद थे। उन्हें फौरन वहां से निकाला गया था, जबकि इसी बिल्डिंग के 30वें फ्लोर पर दीपिका एक और फ्लैट 2014 में भी खरीद चुकी हैं। इस मामले को लेकर लेटेस्ट अपडेट यह है कि अब तक यह अपार्टमेंट रहने के लिए पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हो पाया है। यही वजह है कि वहां के निवासियों को अभी अगले 15 दिनों तक घर में रहने की इजाजत नहीं है। जाहिर है, ऐसे में दीपिका पादुकोण भी अगले 15 दिन अपने घर में नहीं जा पाएंगी। वजह बताई जा रही है कि अभी वहां पूरी तरह से क्लीयरेंस का काम पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि इस बारे में बिल्डिंग के सिक्योरिटी ऑफिसर का कहना है कि अभी अगले 15 दिनों तक यह अपार्टमेंट रहने की स्थिति में नहीं है। फायर ब्रिगेड ने अपना काम पूरा कर लिया है, अब बेस अपनी तरफ से सुरक्षा की पूरी जाँच कर रहा है। इस बारे में चीफ फायर ऑफिसर पी रहेंगाडले का कहना है कि फायर टेंडर के वहां से हटने के बाद अब यह बेस्ट की जिम्मेदारी है कि वे इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीजों को लेकर तय करें और सोसाइटी से इस पर बातचीत करें। उन्होंने साथ ही यह भी जानकारी दी कि वे इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि आखिर आग लगने का मुख्य कारण क्या था। जाहिर है कि ऐसे में दीपिका पादुकोण को भी अपने घर से फिलहाल दूर ही रहना होगा। बता दें कि जब यह घटना घटी थी, उस वक्त दीपिका पादुकोण विज्ञापन के शूट के लिए बाहर थीं। बता दें कि हाल ही में दीपिका हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को लेकर बिजी हैं, वहीं रणवीर अपनी फिल्म गली बॉय और सिम्बा को लेकर व्यस्त हैं।